अगर झाड़ू पकड़ना ही हमारी बिटिया की किस्मत में होता ना तो कलम ना थमाए होते। अरे हमारी बिटिया ने अपने बाबूजी के प्रेम और स्नेह का जो त्याग दिया है ना, एक दिन वही त्याग उसकी कलम की स्याही बनकर उसकी किस्मत लिखेगा। हम तुम्हारे हाथ में कलम और किताब इसीलिए पकड़ाए थे कि झाड़ू और पोछे की जगह ना बचे। तू बैठ पढ़ाई कर, हम साफ करते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कर, बहुत आगे बढ़ना है बिटिया। तुम्हारे रास्ते में आई हुई हर गंदगी को हम साफ करते जाएं। बाबूजी, तुझे भी आ रही है? Some misty fragrance, थी ना? घर तो रोज जैसे साफ है, लेकिन आज ये खुशबू? क्या बात है ब्रो, है क्या बात है? ये उसी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है। That's very interesting. तो आपने तो उसके बाद परफ्यूम से शावर ही ले लिया मेरे ख्याल से। What nonsense. एक बार स्मेल करवाया था उसने, उसके बाद मैंने उसको खोला भी नहीं। अगर ये फ्रांस वाली परफ्यूम की खुशबू आपके कपड़ों से नहीं आ रही तो पूरे हॉल में कैसे आ रही है? That's my question too. चंपा का तो कंपटीशन ही बढ़ गया इस घर में, देख रहे हो क्या सफाई। केयरफुल, संभालो अपने आप को बेटा। अरे विक्रम जी, फरस अभी गीला है, एक हाथ मारना बाकी है। हम तो मुर्गासन पर इसलिए बैठे थे क्योंकि हम बहुत ही थक गए थे, इसलिए साफ बटोर रहे थे। अरे लेकिन साफ किससे किया है? अपने गांव से कोई स्पेशल फिनाइल लेके आई थी तुम? अरे नहीं नहीं, गांव नहीं, यहीं से। ये देखिए, इससे साफ किया था। वो जो है ना कंकाल वाला कमरा, उससे लिया था। अरे बाप रे, ढूंढा तुझे कहां कहां और तू मिला यहाँ। अब अच्छे से साफ करेंगे। ये बहुत मस्त चीज है। बेबी, ये परफ्यूम तुम्हारे लिए, जब मैं ट्रिप पे गई थी फ्रांस अपनी बैचलरेट पार्टी पे, वहां से लाई हूँ। इसको ऐसे फुसफुसाते हुए हमने पूरा गंदगी साफ कर दिया। तुम जानती भी हो कि वो क्या है? हाँ हाँ पता है ना। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, एल्कोहल। आई कैन बिलीव दिस भाई, हम स्कूल में पढ़े थे कि एल्कोहल से वो जो जीवाणु होते हैं वो मौत के घाट उतर जाते हैं। जी विक्रम, आराम से। जीवाणु? जीवाणु माने बैक्टीरिया। अरे वो जो होते हैं ना साबुन वाले इस्तिहार में, वो एक कीटाणु बच जाता है, इससे वो भी मर गया होगा। अरे विक्रम जी, ये जो है ना आपका शीशा, इतना अच्छा सुंदर सफेद है, एक छोटा सा दाग था, मिट ही नहीं रहा था, और देखिए इसकी वजह से वो भी छूमंतर हो गया।
तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही भारी पड़ गई ब्रो पे। का है? क्या है ना कि ये जो बॉटल तुमने खाली कर दी है ना, ज्यादा नहीं, बस 50,000 की थी। देखिए देखिए, ए माता रानी, 50,000? Exactly. परफ्यूम है वो, सेंट, उसको स्किन और कपड़ों पर लगाते हैं। खुशबू का 50,000? हमारे गांव में ना ऐसे 5-5 रुपए में सीसी मिलती है इधर की, वो भी खान बाबा के पास। शरीर में लगाओ तो पूरा कमरा महकता है, और तबेले पर लगाओ तो पूरा गांव। डॉक्टर साहब, ये तो आपको लूट लिया। देखिए आप, शंपा, शांति। जी रानी सा। क्या हुआ राजेश्वरी? राजमाता, हमारे घर में कुछ स्मेल आ रही है, एक अच्छी खुशबू, मतलब इट्स वेरी नाइस, बिल्कुल एक एक्सोटिक लग्जोरियस परफ्यूम की तरह है ना। मॉम, मैं भी सुबह से परेशान हूँ, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है ना। भाई, आपको क्या लगता है ये किस चीज की परफ्यूम हो सकती है? विक्रम, स्टॉप ओवर एक्टिंग। राजेश्वरी, हमारे कमरे में एक परफ्यूम की बॉटल टूट गई थी, तो वो नई लड़की है ना, रामू की डॉटर, क्या लड़की चुनी है आपने, ऐसा दिमाग चलता है उसका जैसे कि फरारी। हाँ, जैसे कि फरारी, एकदम तेज, ताकि परफ्यूम वेस्ट ना हो जाए ना, उसने चंपा से खुद खड़े होकर अपनी निगरानी में विक्रम का रूम उससे साफ करवाया। उसी की तो खुशबू है। रियली राजेश्वरी, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ गर्ल। 50,000 के परफ्यूम से कमरे साफ कर रही है करके, अरे रजावत फैमिली की रॉयल रानी से ज्यादा रॉयल तो ये बुढ़ापा करा दी हो रही है। रानी सा, आशीर्वाद प्लीज। हर 2 घंटे में आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करके बात किया करो। तुमने अपनी गलती सुधारी और इस घर का काम सीख रहे हो तो गुड। जी रानी सा, आपने हमारी तारीफ की, माता रानी की सौगंध, हम तो धन्य हो गए। रिलैक्स, ये तारीफ तकलीफ में ना बदल जाए, इसलिए जितनी मेहनत तुमने अपनी पढ़ाई में लगाई थी उतनी मेहनत इस घर के काम में लगाना, तब जाके तुम रामू की हेल्प कर सकोगी, उसकी जगह ले पाओगी। रिमेंबर कि रामू 20 साल जी तोड़ मेहनत करने के बाद वो सारे नौकरों का मैनेजर बना है। तुम्हें सिर्फ 2 दिन हुए हैं, बहुत दूर जाना है तुम्हें। जी जी रानी सर, हम तो अपने बाबूजी के लिए पूरे मन लगाकर काम करेंगे। फाइन, लीव। चलते हैं। लड़की अच्छी है, बस थोड़ी नई है इसलिए। नौकर कभी अच्छे नहीं हुआ करते हैं राजमाता, लेकिन उसके औकात अनुसार यहाँ रहकर वो पक जाएगी। लेकिन एक बात है, उसमें रामू का गुण है, ईमानदारी का। देखना, वो बहुत जल्द यहाँ का काम सीखकर रामू की जगह ले लेगी हमारे घर में। हमारे डिसीजंस कभी गलत नहीं होते। 10 चौके 40, 10 पंजे 50। अरे पिंकू, 50 छोड़, हमको तो 100 नंबर मिला है। अब कौन सी परीक्षा में पास हो गई? बाबूजी के नाम को बनाए रखने वाली परीक्षा। अरे सही से बता ना, क्या हुआ? तो बड़ा बकैती कर रहा था ना, और हम जब साफ सफाई कर रहे थे ना, हम बाबूजी के बारे में सोच रहे थे कि कैसे 20 साल अपना पसीना बहाकर इस घर को चमकाए रखे, ताकि अपने परिवार को सुख वाला जीवन दे सके। बाऊजी के जेल से छूटने तक हम हिम्मत ना ही हारेंगे, मन लगाकर काम करेंगे। रानी, बेटा ये ले, रानी सा ने तेरे लिए ये साबुन, शैम्पू और ये सिर में लगाने का तेल भिजवाया है, तो तुम एक बार देख लेना। अरे थैंक यू। अरे पिंकू, ये देख,
बाबन, रानी सा गुस्सा करती है पर दिल की बहुत ही अच्छी है। पहले बाबूजी के लिए वकील की है और अब ये तोहफा। ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोले। बाबूजी बोलते हैं ना कि इंसान के शब्दों पर नहीं कर्म पर जाओ। That was really very good, Rajeshwari. आप हमारे राज घराने का बैकबोन हो। जिस तरह आपने उस लड़की की मेहनत को सराहा है, I'm really proud of you. लेकिन next time, अगर आप उसके काम से खुश हो, तो उसका हाथ पकड़कर, उसकी पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी भी दे देना। Silkworm, राजमाता। Silkworm? रेशम का कीड़ा। अब उस कीड़े में भले रेशम पैदा करने की क्वालिटी हो, लेकिन वो सुपर एक्सपेंसिव कपड़े को कौन खरीद सकता है? सिर्फ हम और आप जैसे लोग। बाकी उस कीड़े की किस्मत में सिर्फ कीड़ा बनना लिखा होता है। हमारे थपथपाने से या शाबाशी देने से उस कीड़े की औकात तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा क्लास और स्टैंडर्ड डेफिनेटली गिर जाएगा। ओ, अरे अरे संभाल के बहन, गिर जाता भी ना ही गिरेगा। वाह बहन, क्या खुशबू है, एकदम है ना, कितना महक रहा है। महक आती है उनसे, बहुत ही डिस्टर्बिंग सी महक, लो क्लास और गंदगी की महक, जिसे कितने भी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स या सोप्स या डिओड्रेंट्स के कंबल में ओढ़ने की कोशिश करो, बट द रियलिटी इज कि इन प्रोडक्ट्स की क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी बदबू ने, इसकी खुशबू ने, हाँ खुशबू है, एकदम फूलों वाला साबुन दिए हैं हमको। तानी सा कितनी अच्छी है ना, हमारे बारे में कितना सोचती है। आज हम बहुत खुश है बहन, तूने करके दिखा दिया। आज तक हम सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से अपना चेहरा धोते थे, पर सिर्फ तेरी वजह से हमें साबुन मिला। तू बहुत अच्छी है बहन, बहुत ही ज्यादा अच्छी। उनका ना खून अच्छा होता है ना इनकी किस्मत, उनकी जिंदगी में एक और सिर्फ एक ही चीज अच्छी होती है। हमारी रॉयल लाइट जो उन पे पड़ते ही उनकी परछाई में भी चमक आ जाती है, वरना उनके रहने का स्टाइल, उठने बैठने का ढंग सब एक गटर के कीड़े जैसे होता है। फिर चाहे हम वो कीड़े को फ्लोरल गार्डन में क्यों ना रखाएं, वो बदबू तो गटर जैसी ही होगी। और आपको पता है राजमाता कि हमें ये लो क्लास बदबू से कितनी घिन आती है। इस शहर में सूरज जल्दी चढ़ता है कब? अभी तो सोए थे, अभी तो रात ही हो रही है। बहन, बहन कहाँ है? अरे वन, इतनी रात गए ईखा कदम दिखा रही है। अरे तू कहाँ उठ गया? हाँ उठ गया, आँख खुल गई, उठ गए, पर तू ये चुटिया काहे बांध रखी है? ये हमारा नया 2x2 टोटका है। ये देखो, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा वो इंटरव्यू है ना, तो जगे भी रहेंगे और जैसे झटका लगेगा तो हम उठ भी जाएंगे। छोड़ ना बहन, सुबह से इतना काम कर रही थी, थक गई होगी, चल ना सोने चलते। अरे नहीं नहीं, हम
हमारी थकावट तो तभी छूमंतर हो गई थी जब वकील बाबू बोले कि कल बाऊजी की पेशी है और हमारे बाऊजी रिहा हो जाएंगे। हम तो बहुत ही खुश हैं। इसलिए हम सोचे कि इंटरव्यू के लिए पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही बाऊजी की रिहाई हो जाएगी हम तो गांव वापस चले आएंगे। पर तुम जाओ, बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ। अरे जा ना, हम तैयारी कर रहे हैं, जा जा जा। अरे ये क्या किया, हमारा टोटका खराब कर दिया। अरे बहन, तू इतनी प्यारी और मेहनती है, अभी तक गांव पहुंचे भी नहीं कि पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम भी तेरे साथ लगकर मेहनत करेंगे तो हम भी अपनी पढ़ाई अभी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक वेव्स। अरे नहीं नहीं, वेव्स नहीं, वेव्स। हाँ हाँ, वही जो तुम बोल रही हो। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक वेव्स। अरे वेव्स नहीं, वेव, इलेक्ट्रिक वेव्स। छोड़ो, तुम करते रहो। का चप्पलवती, हम सब फास फास चल रहे हो, साथ चलो हमारे। से पहले सूचना तो दे दिया कीजिए कि टक्कर लगने वाली है, और हम देख रहे हैं टक्कर लगाने की आपकी लत नहीं छूट रही है। आपकी भी तो तोड़-फोड़ करने की आदत नहीं जाती, कभी हाथ तोड़वा लेती है, कभी पांव, अभी आवाज। वो कहा है ना, आज बहुत ही बड़ा दिन है, आज बाऊजी की रिहाई हो जाएगी, इसलिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। चौधरी साहब हमको बोले कि है ना, कोर्ट में जज साहब, उनके सामने दो चार ऐसे सटफट दलील छोड़ देंगे और हमारे बाऊजी छूट जाएंगे। अजय ने ऐसा कहा? वैसे पहली हियरिंग में थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, आप वकील नहीं है, आप है डॉक्टर साहब, आप इलाज का इंजेक्शन लगाइए, ये विशेष टिप्पणी ना दीजिए, बुझे? देखिएगा, हमारे बाऊजी बहुत ही जल्दी छूट जाएंगे और फिर हम बागी बलिया वापस। मैं बस आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोर्ट के मैटर्स में वक्त लगता है, और वैसे और हमारे पास ये सब सुनने का टाइम नहीं है। आज बहुत ही बड़ा दिन है, हमें कोर्ट पहुँचना, चलते हैं। जय माता रानी। कहाँ चलते हैं? जय माता रानी। कुमुद, इसकी नई यूनिफॉर्म कहाँ है? रानी साहब, वो टेलर के यहाँ से अभी सिल के नहीं आया। टेलर का हिसाब कर दो, उसे निकाल दो। अगर हमारे काम के लिए उसके पास टाइम नहीं है तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें? अंडरस्टूड? जी। गुड मॉर्निंग रानी साहब। सब सुनो, आज हमारे बहुत ही एस्टीम्ड और स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए घर की साफ सफाई, खाने के प्रेजेंटेशन तक सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और हाँ, मेक श्योर कुमुद कि ये लड़की इस देहाती गेटअप में हमारे मेहमानों के सामने ना आए, वरना इसका नतीजा तुम जानती हो। जी रानी साहब, हमको हाफ डे चाहिए था। व्हाट? माने आधा दिन की छुट्टी? हमें पता है हाफ डे का मतलब, किस लिए चाहिए? वो रानी साहब, आज हमारे बाऊजी की कोर्ट में पेशी है, इसलिए। तो तुम वहां जाके जज की कुर्सी पे बैठोगी? जयपुर के सबसे मशहूर वकील को हमने हायर किया है रामू के केस को हैंडल करने के लिए, उसे अपना काम करने दो वहां पे।
और तुम अपना काम करो यहाँ पे। पर रानी साहब, अगर हम वहां होंगे ना तो हमारे बाऊजी का हौसला। फुल स्टॉप। कुमुद जी, गेस्ट के आने से पहले सारे अरेंजमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए जी। और अगर किसी से कोई गलती हुई तो वो दोबारा घर में दिखना नहीं चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड जी। और मेहमानों के स्वागत के लिए सबसे एक्सपेंसिव फ्लावर्स होने चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। अब सुबह सुबह किसकी वेलकम की तैयारियां चल रही हैं? ग्वालियर घराने के प्रिंस जय सिंह। ओ जय राय। तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं हम। व्हाट? नो 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 वे मॉम। मॉम, हमने आपको पहले ही कहा था कि हमें अभी शादी नहीं करनी है, राइट? जय सिंह से रिश्ता होना हमारे घराने के लिए शान की बात है। पर शादी? मॉम, कह दिया हमने। हमें कब क्या क्यों करना है ये हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कह दिया हमने कि जय सिंह से हम तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। और आज हम किसी की भी कोई भी छोटी सी भी गलती माफ नहीं करेंगे।